We are going to hear a story about Jesus being fully in control and also allowing himself to be subjected to all human imperfect difficulties. Okay? Although he is in control, he has a power, he is being submissive. And that's why he is a teacher for us. He is setting an example by doing that. Before we get into that scripture verse, we'll sing this bhajan, which is basically honoring him as a guru or teacher. Guru. गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, नमन मैं करूं तेरे चरणों में रहूंगा, 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 शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति मैं करूंगा, हम पर होवे।
हम पर होए। हे अन्नदाता जीवन दाता बलिदान दे दो हमें, बलिदान दे दो हमें। हे अन्नदाता जीवन दाता बलिदान दे दो हमें, बलिदान दे दो हमें। धन्यवाद देते तुझे, धन्यवाद देते तुझे। जीवन दाता बलिदान दे दो हमें, बलिदान दे दो हमें। धन्यवाद देते तुझे, धन्यवाद देते तुझे। प्रभु यीशु तुझे नमन करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन करूंगा। नमन मैं करूं तेरे चरणों में रहूंगा, नमन मैं करूं तेरे चरणों में रहूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति में करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति में करूंगा। प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, नमन मैं करूं तेरे चरणों में रहूंगा, नमन मैं करूं तेरे चरणों में रहूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति में करूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति में करूंगा। गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, गुरु प्रभु यीशु तुझे नमन मैं करूंगा, नमन मैं करूं तेरे चरणों में रहूंगा, शांति देता शक्ति देता भक्ति में करूंगा। यीशु मसीह की जय। यस, यीशु मसीह की जय। सो समय जय इज कमिंग, प्रेज प्रेज। सो म्यूजिक कमिंग इन अरबिक जय। ओह रियली? या ओके, इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, सो क्रिस, कुड यू मूव टू द प्रीवियस, या द क्वेश्चन स्लाइड? या ओके। नाउ these are just some questions which might not be for everyone, so there is no need to answer these.
Okay, I just want to get the thought process and the mindset ready for listening to the scripture, which is a lot to cover, by the way. So, can anyone just tell me why Good Friday is called good